da da na da na a re na baz me jana नशिस्ते नहीं होती मखसूस, जो भी एक बार जहां बैठ गया बैठ गया। तेरा चुप रहना, तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया। कोशिश की है काकू प्रयोग इस गजल में करने की। बहुत ही मशहूर शायर हैं तहजीब हाफी, और मेरा पहला ऐसा कलाम मैं गाने जा रहा हूँ जो कि किसी एक मॉडर्न शायर का लिखा हुआ है। मतलब आजकल के प्रसिद्ध शायर हैं वो, और सोशल मीडिया पे तो काफ़ी फेमस हैं, आप सुन सकते हैं उनको, पढ़ सकते हैं। तहजीब हाफी, उनका एक लहजा है पढ़ने का अपना एक, और बहुत फेमस गज़ल है उनकी ये कि तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया। तो इसमें आपको देखेंगे कि चुप, जो चुप्पी है उसको दिखाने की कोशिश करी है, और जो बैठ गया है उसे बिठाने की कोशिश करी है। प्रयोग है, सुनिएगा, आपको पसंद आएगी। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया। इतनी आवाजें तुझे दी, इतनी आवाजें तुझे दी कि गला बैठ गया, तेरा चुप रहना। चाहता हूँ यूँ नहीं है कि फकत मैं ही उसे चाहता हूँ, जो भी उस पेड़ की छाँव में गया बैठ गया, जो भी उस पेड़ की छाँव में गया बैठ गया। इतनी आवाजें तुझे दी, इतनी आवाजें तुझे दी, इतनी आवाजें तुझे दी कि गला बैठ
बिछ गया तेरा चुप रहना। इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा, मत पूछ। इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा, मत पूछ। उसने जिसको भी जाने का कहा बैठ गया, उसने जिसको भी जाने का कहा बैठ गया। इतनी आवाजें तुझे दी, इतनी आवाजें तुझे दी के गला बैठ गया। तेरा चुप रहना। बहुत ही प्यारा शेर है और इस पूरी गज़ल में मेरा पसंदीदा है ये। आप भी सुनिएगा, आपको भी लगेगा कि हाँ बहुत ही बखूब बात कही है हाफिज़ साहब ने। उसकी मर्जी वो जिसे पास बिठा ले अपने, उसकी मर्जी वो जिसे पास बिठा ले अपने। इस पे क्या लड़ना, सागा गबा पने निदा दबा पागा गजा सनी। इस पे क्या लड़ना, फला मेरी जगह बैठ गया। इस पे क्या लड़ना, फला मेरी जगह बैठ गया। इतनी आवाजें तुझे दी कि गला बैठ गया। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया। तेरा चुप रहना